इंटर एडमिशन में आज है नामांकन का आखिरी तिथि, यानी ऑनलाइन आज आखिरी कर सकते हैं। उसके बाद 4 अगस्त को आपका पहली मेरिट लिस्ट आ रहा है। जी हाँ, अगर आप इंटर में एडमिशन किया है, इंटर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया है, तो कल यानी कि 4 अगस्त को आप लोग का पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगा। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी इसकी लिस्ट जारी हुई है। तो सबसे पहले जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, आज जरूर से रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि आज है आपका 3 अगस्त। अगर आज रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इस बार डेट नहीं बढ़ेगा। फाइनली कल 4 अगस्त को आपका पहली मेरिट लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगा, और उसी मेरिट लिस्ट के नाम के आधार पर आपके स्कूल कॉलेज में एडमिशन होगा। यानी मेरिट लिस्ट में जिसका नाम जिस स्कूल कॉलेज में आएगा उसी में उसे एडमिशन लेना होगा, चाहे वो आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के लिए अप्लाई किए हो। तो यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट कल जारी हो रही है। कैसे चेक करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, सब कुछ इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि कल आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करे। कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, बिहार बोर्ड ने इंटर नामांकन के प्रथम मेरिट सूची जो है जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है, और प्रथम चयन सूची का प्रकाशन 4 अगस्त को किया जाएगा, साफ साफ लिखा गया है। और इसके बाद सूची में शामिल छात्र छात्राओं का नामांकन 4 से 9 अगस्त तक लिया जाएगा। यानी 4 से 9 अगस्त तक आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, उसके बाद एडमिशन आपका नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कल आपको मेरिट लिस्ट में नाम मिलाना है कि किसका मेरिट लिस्ट में कहाँ नाम गया है, उसके बाद आपको जिसका नाम जिस कॉलेज में गया है या स्कूल में गया है उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना है, ठीक है। अगर आपको कोर्सेज पसंद नहीं है, कोर्सेज चेंज करना है, तो भी आप इसमें कर सकते हैं, अपना कोर्स को बदल सकते हैं। अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आगे क्या करना है वो इस वीडियो में बता रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको मेरिट लिस्ट कैसे चेक करनी है। ये OAPS वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। यानी जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसी पे आपका जो है अपडेट किया जाएगा। और आपके सबसे बड़ी बात, अगर आपने मोबाइल नंबर दिया है तो आपके मोबाइल पे भी मैसेज आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है या स्कूल मिला है, और उसके कोड भी दिए जाएंगे। और आपको स्कूल कॉलेज एडमिशन के लिए जाना है, सब कुछ निर्देश आपके मोबाइल पे मैसेज के द्वारा दे दिया जाएगा। और उसके बाद जितने कॉलेज में सीट बचे हैं उसकी अपडेट डेली आपकी वेबसाइट जो OAPS की वेबसाइट है बिहार बोर्ड की, उस पर आपको दी जाएगी। अब प्रथम मेरिट लिस्ट के बाद सीट बचेगा तो सेकेंड मेरिट लिस्ट भी जारी होगी, ये भी साफ साफ कह दिया गया है। तो यहाँ देखते हैं क्या कि प्रथम मेरिट लिस्ट आपको चेक कैसे करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स की बात भी हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट, तो 5 सेकंड में डाउट के साथ उन्हें करो आउट। बस आपके सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, CBSE, UP, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं IIT और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में आपको मिलेंगे डाउटनेट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बने और डॉटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपको SKT एग्जाम यहां पे सर्च करना है गूगल में आकर। SKT एग्जाम सर्च करेंगे, जैसे बता रहा हूँ डियर फ्रेंड वैसे ही करना है। SKT एग्जाम सर्च करेंगे तो आपको नीचे की ओर जाना है, और यहाँ पे देखिए 6 घंटे पहले अपडेट आई है इंटर एडमिशन की, उस पर आपको क्लिक करना है। ये आपके इंटर एडमिशन की अपडेट है, इस पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे तो ऐड आएगा, तो ऐड बंद कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे कि ये 6 घंटे की पहले की अपडेट है, बिल्कुल करंट अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, 6 घंटे पहले की अपडेट है, ठीक है। बहुत करंट अपडेट आ गई है कि यहाँ पे अब जो है मेरिट लिस्ट के आधार पे आपका एडमिशन होगा। आज जो है ऑनलाइन आवेदन का आखिरी तिथि है, जो नहीं किए हैं उन्हें बता दे कि आज ही करा ले, उनके बाद रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो बिना रजिस्ट्रेशन के एडमिशन भी नहीं होता है, तो फिर वो 1 साल उनका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट पे आ जाना है, और कमिंग सून जो है यहीं पे लिंक आपका एक्टिव हो जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट अपना लिस्ट चेक कर पाएंगे। आगे बता दें किसके लिए क्या क्या गाइडलाइन है, तो कोरोना कारण निर्देशों का पालन करना होगा, डिस्टेंसिंग करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना होगा, लाइन में लगाकर जो है वो आपको एडमिशन लिया जाएगा। और आपको डॉक्यूमेंट्स की बात बता दें यहाँ पे, तो डॉक्यूमेंट्स में जो मैट्रिक के मार्कशीट हैं वो आपको लगेंगे, जो आपने स्कूल कॉलेज स्कूल से मार्कशीट लाए हैं मैट्रिक के, वो आपके मार्कशीट लगेंगे।
उसके बाद आपको, अगर आप स्कूल चेंज कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो आपको SLC लगेगा, यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो कि आपके स्कूल में मिले होंगे वो आपको लगेंगे। अगर एक ही स्कूल का है तो नहीं लगेगा। अगर स्कूल से कॉलेज जा रहे हैं, 10वीं में स्कूल से किए थे, इस बार कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे SLC बोलते हैं, वो अपने स्कूल से लेकर आज रख लेना है। उसके बाद अगर छूट चाहते हैं पैसा एडमिशन में, तो आपके पास आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, तो एडमिशन की फीस में छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है तो वो भी लेकर जाएंगे। ठीक है, और पिछला जो भी डॉक्यूमेंट्स है मैट्रिक का, वो सभी लेके जाएंगे कॉलेज में, ताकि बार बार आपको घर वापस ना आना पड़े। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी को बता दें कि कल आपका मेरिट लिस्ट जारी हो रहा है, और कल ये सभी डॉक्यूमेंट्स, फिर से एक बार डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैट्रिक की मार्कशीट, उसके बाद जिस स्कूल में पढ़े हैं उसका SLC, और आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, सारे जाति आय लेकर जाना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।